हमारा लद्दाख ट्रिप आज एक नई जगह से, और इस जगह को मुझे नहीं लगता किसी इंट्रो की जरूरत है, बिकॉज जब आप लद्दाख में हैं तो आप लद्दाख आए हैं या नहीं आए हैं, बट स्टिल आप इस जगह को पहचान सकते हैं। तो लेकिन आज पेंगोंग सो के रंग कुछ डिफरेंट हैं, बिकॉज सन एंड क्लाउड्स हैं, सन क्लियर नहीं है। थोड़ी देर पहले तक इट वॉज लाइक डीप ब्लू, बट अभी ग्रे का शेड है। और पीछे आप देख रहे हैं पहाड़ों का कि कैसे धूप की जो एंगल रहता है, सन का रहता है ओवरकास्ट की वजह से, डिफरेंट शेड्स ऑफ लेक एंड माउंटेन्स। तो ये तो खुद आके देखने वाली चीज़ है कि कैसे, मतलब आप लेक का, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि वाकई में वो रंग बदलती है कि नहीं बदलती है, तो लेक रंग नहीं बदलती है, वो एक्चुअली आपका टाइमिंग क्या है, सन कहाँ पे है, क्लाउड्स कितने हैं, ओवरकास्ट, मतलब उसकी वजह से शेड्स डिफरेंट होते हैं। तो हम लोग कल शाम से यहाँ पे हैं, तो वी हैव सीन लाइक एकदम डीप ब्लू था जब हम आए थे, क्योंकि उस टाइम सन काफ़ी अच्छा था, ब्राइट था कल शाम को। मॉर्निंग में हाफ लेक वॉज ब्लू एंड बाकी ग्रे, बट अभी पूरा क्लाउडी हो गया है, तो आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट ये वाला जो साइड है ये बिल्कुल एकदम डार्क ग्रे में है। बस बाकी बहुत बड़ी लेक है। हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से, अभी हम स्पैंगमिक में हैं, 7 किलोमीटर्स, देन मान मिराक, आगे बहुत सारे विलेजेस आते हैं, तो 40 किलोमीटर्स, 40% ऑफ लेक जो है वो इंडिया के पास है एंड 60% इज विथ चाइना। आप इसको गूगल करके अच्छे से देख सकते हैं उसका लेंथ। तो अभी हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू मान मिराक विलेजेस कवर करके वी आर गोइंग टू हानले। तो आगे वाला ये जो लेक है ये चुशुल तक साथ में चलेगी, ऑफ रोडिंग है, टोटल व्यू बहुत अच्छा रहने वाला है। तो तब तक शायद और रंग देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे मौसम तो एकदम पहाड़ है तो कभी बदलता रहता है, बादल, धूप, जब धूप आती है तो इट्स लाइक स्कॉचिंग, एकदम बहुत तेज वाली है, और जब अगर बादल आ गए तो आपको एकदम ठंडी लगना शुरू हो जाएगी। सो यू हैव टू लाइक एकदम प्रिपेयर रह के कि आप बाइक पे हैं तो आपको सब कुछ हैंडी रखना है, कि अपने ग्लव्स, जैकेट, सब कुछ, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो बस अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे और जाके देखते हैं कैसा है, लेट्स सी। अभी थोड़ा और एंजॉय करते हैं पेंगोंग, फिर हम चलेंगे।